हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आप में से काफी लोग जो हैं इस टाइम पे MIUI 12.5 के एंड्रॉइड 11 का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उसको आने में अभी काफी टाइम है, बट इस टाइम पे जो है MIUI 12.5 का जो एंड्रॉइड 11 है काफी सारे फोन्स के लिए इस टाइम पे अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइम पे हम इसको अपने रेडमी नोट 8 के अंदर यूज कर रहे हैं। आपको ये पोको X2, रेडमी K20, रेडमी K20 प्रो और काफी सारी डिवाइसेस के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको रन करता हुआ यहां पे देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी Xiaomi EU के जो रोम आया है लेटेस्ट 21.3.24 उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, गूगल प्ले स्टोर सर्टिफाइड है कि नहीं है, कि बैंकिंग एप्लीकेशंस काम करेंगे कि नहीं। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे हम जो है Redmi Note 8 के अंदर जो है MIUI 12.5 का जो है Android 11 का वर्जन जो है यूज कर रहे हैं, जो कि Xiaomi EU। सबसे पहला क्वेश्चन जो है लोगों के माइंड में ये आता है कि गूगल प्ले स्टोर जो है इसके अंदर सर्टिफाइड है कि नहीं है। अगर सर्टिफाइड नहीं होगा तो आप बैंकिंग एप्लीकेशंस को रन नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। सबसे पहले मैं आपको वही चीज चेक करवाता हूँ। ये देखिए, गूगल प्ले स्टोर आपको वर्किंग मिलता है इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि प्ले स्टोर इसके अंदर काम नहीं करता है, प्ले स्टोर इसके अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ एक बार कि जो प्ले स्टोर जो है वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो यानी कि आपको बैंकिंग एप्लीकेशन रन करने में इसके अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलने वाली है। सभी के सभी फीचर्स जो है आपको लेटेस्ट देखने को मिलते हैं। स्टेटस बार जो है आपको कुछ इस तरीके इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आप अपनी हेल्थ की एप्लीकेशन या अपने डाटा या फिर अपनी सिम कार्ड वगैरह को यहाँ पे इजीली एक्सेस करते हैं। राइट साइड पे स्वाइप करते ही आपको जो है नोटिफिकेशन का पैनल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है और स्टेटस बार जो है फुली अपडेटेड है। आप देख पा रहे होंगे जो नीचे आपको ब्राइटनेस का पैनल है वो एक जगह पे यहाँ पे पिन हो जाता है। तो ये कुछ चीजें नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरा भी जो है फुली अपडेटेड आपको इसके अंदर दिया गया है। सभी के सभी फीचर जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलती है। इवन आप फोटो मोड के अंदर जो है पिक्चर्स को यहाँ पे ठीक तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं। ये देखिए, चाहे आपका वीडियो मोड हो, वीडियो मोड भी आपका परफेक्टली इसके अंदर आपको यहाँ पे काम करते हुए मिल जाता है। ये देखिए, वीडियो मोड आपको यहाँ पे काम करता हुआ मिलता है। इवन अगर आप प्रो मोड में जाते हैं तो प्रो मोड में भी आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे व्हाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, इन सब चीजों को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड भी इवन जो है परफेक्टली आपको काम करता हुआ इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है। मोर में जाएं तो मोर में जो है हर डिवाइस के अंदर जो है आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उसके अंदर आपको ब्लॉग मोड भी देखने को मिल सकता है और क्लोन मोड भी देखने को मिलता है। बट Redmi Note 8 के अंदर जो है नॉर्मली फीचर्स मिलते हैं, जैसे नाइट मोड आपको इसके अंदर दिया गया है जिसमें आप पिक्चर्स को नाइट मोड में भी कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है गैलरी भी जो है आपको फुल्ली अपडेटेड जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। मैं गैलरी को शो कर देता हूँ। ये देखिए, हम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में अगर आप किसी भी फोटो के ऊपर एडिट के ऑप्शन में जाते हैं तो अब आपको जो है डार्क बैकग्राउंड के साथ जो है एडिटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको सभी फिल्टर्स मिल जाते हैं, इवन स्काई फिल्टर्स और सभी लेटेस्ट अपडेटेड टूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गैलरी मोड में ही हम वीडियो टूल बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है, जिसमें रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्ट ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप जो है फ्लोटिंग विंडोज़ को भी आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एंड्रॉइड 11 के अंदर जो है पिल के जेस्चर मिल जाते हैं, जिनको आप स्वाइप करके जो है जो भी लास्ट एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके फ़ोन के ऊपर परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर स्वाइप अप करके आपको होल्ड करते हैं तो आपको रीसेंट टैब्स जो है हॉरिजेंटल भी इसके अंदर दिए गए हैं। आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों ही इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज़ जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे भी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो इसके अंदर जो डायलर जो दिया गया है वो लेटेस्ट जो है MIUI का डायलर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गूगल की सभी एप्लीकेशन जो है इसके अंदर परफेक्टली काम कर रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर, गूगल, जीमेल वगैरह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। आपको कोई भी इसके अंदर क्रैपीवेयर या चाइना की कोई भी इसके अंदर एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती। हाँ, टीम स्टोर जो है इस टाइम पे जरूर आपको चाइनीज लैंग्वेज का ही यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको चाइनीज लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है। बट चाइना के थीम स्टोर में आपको काफी सारी थीम्स, काफी सारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और काफी सारे आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप इसके अंदर लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, आइकन्स, मैसेजिंग, डायल पैड, फेवरेट ट्रे, बूट एनिमेशन एंड बूट ऑडियो, इन सभी ऑप्शंस को आप इजीली यहाँ पे एक्सेस करके अपने मनपसंद जो है थीम्स को भी आप इजीली क्रिएट कर पाते हैं। अगर हम सेटिंग्स पैनल की बात करें तो सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आपको लेटेस्ट MIUI 12.5 का ही आपको देखने को मिला है, जिसमें आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको जो है सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है, जहां से आप जो है काफी सारे जो सुपर वॉलपेपर्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट, आइकन्स, इन सबको चेंज कर सकते हैं।
रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, अलार्म्स, इन सबको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको काफ़ी सारे नए साउंड्स आपको दिए गए हैं, जैसे नेचर मिक्स हो गए, काफ़ी सारे नए साउंड्स जो हैं यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन भी फुल्ली अपडेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर जो है आपको चार्जिंग एनिमेशन जैसे फ्लो, ग्लो और वेव, ऐसे कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनको आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको लाइट मोड, डार्क मोड मिल जाता है, जिसको आप एक्सेस कर पाते हैं। कलर स्कीम, फॉन्ट सेटिंग्स, इन सबको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर डिस्प्ले के नीचे आप जाएं तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको साउंड असिस्टेंट देखने को मिलता है। और एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो कुछ और ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, जैसे डायल पैड टोन्स, टैप साउंड्स वगैरह, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बूट साउंड को भी आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आप जो है लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर या ओल्ड वर्जन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको स्मार्ट होम या स्टेटस बार में आप छोटे मोटे जो चेंजेस करना है कर सकते हैं। होम स्क्रीन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है फुल स्क्रीन जेस्चर्स और बटन के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि परफेक्टली इसमें काम करते हैं। आप जो है इसके अंदर माइनस वन स्क्रीन, जिसमें आप ऐप वॉल्ट, गूगल डिस्कवर या नन, जिसको भी यूज़ करना चाहें उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। होम स्क्रीन लेआउट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जितने आपको MIUI में देखने को नहीं मिलते हैं। आपको 4x6 से 6x7 के ऑप्शन मिलते हैं। आइकन साइज को आप चेंज कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और आपको जो रिसेंट टैब्स हैं वो आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो भी सेट करना चाहें उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी पैनल भी लेटेस्ट एंड अपडेटेड आपको देखने को मिला है, जिसमें बैटरी सेवर और बैटरी के दो नए टैब्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये बीटा रन के ऊपर बेस जरूर है, बट इसके अंदर चाइना की कोई भी आपको क्रैपी एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती हैं। इवन जो है आपको इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट भी Xiaomi EU की कम्युनिटी की तरफ से दिया गया है। बाकी अगर आप एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं तो वही आपको बटन शॉर्टकट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से इजीली करते हैं। LED लाइट को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे अगर आपके स्पीकर्स में कोई डस्ट वगैरह चला गया है तो आप उसको भी यहाँ से क्लियर स्पीकर के थ्रू उनको फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मिलती हैं। स्पेशल फीचर्स में वही आपको गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज, सेकंड स्पेस और MIUI लैब जैसे कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस रोम को जो है आप सिर्फ किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू ही फ्लैश कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है। और अगर आप MIUI 12.5 का वेट नहीं कर सकते हैं, देन आप इस रोम को डाउनलोड करके जो है एंड्रॉइड 11 के जितने भी फीचर हैं MIUI 12.5 के उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइम पे रोम काफ़ी स्मूथली है और MIUI 12 से काफ़ी अच्छा जो है इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, और परफेक्टली जो है रेडमी नोट 8 के ऊपर ये आपको काम करता हुआ यहाँ पे मिल जाता है। कुछ फोन्स की लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जो कि इंडियन फोन्स हैं, जिसके अंदर आपको पोको X2, रेडमी K20, रेडमी K20 प्रो, ये सारे फोन्स मिल जाएंगे। आपको रेडमी नोट 8 भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप उसके लिए जाके MIUI 12.5 के एंड्रॉइड 11 को यूज़ करके अपने फ़ोन के अंदर जो है इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं और लेटेस्ट फीचर्स जो है अपने फ़ोन के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो जो है ये इसी MIUI 12.5 के एंड्रॉइड 11 के रोम के ऊपर बेस्ड था, कि ये रोम जो है काफ़ी सारे फोन्स के लिए अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।